देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 27 सितंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले, मौत कोई भी नहीं, 19 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 151 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 748 नए मामले सामने आए हैं, 730 लोग ठीक हुए हैं और 9 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7683 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 32 नए कोविड 19 मामले, 31 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 282 है। नंबर चार, हरियाणा में आज 13 नए कोरोना के मामले, 10 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 335 है। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 170 नए मामले सामने आए हैं, 259 रिकवरी हुई है, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 4612 हैं। नंबर छह, असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 196 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 307 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3198 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 775 नए मामले सामने आए हैं, 860 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 13213 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना मामले और 16 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 226 है। नंबर 9, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1694 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1658 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 14 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17285 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 78 नए कोरोना के मामले, 2 मौतें और 107 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की संख्या 901 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए हैं, कोरोना से 58 लोग ठीक हुए हैं और 4 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 918 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1184 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1333 लोग डिस्चार्ज हुए और 11 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14136 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 17 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 77 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 15951 नए मामले सामने आए हैं, 17658 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 165 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की संख्या 163280 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना संक्रमण मामले आए हैं, कोई भी मौत नहीं, 10 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 116 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं, 5 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 82 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 112 नए मामले सामने आए हैं, 163 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 3 लोगों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1746 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 166 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2125 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 1 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 64 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 585 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 601 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 5904 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 37 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 293 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3206 नए मामले सामने आए हैं, 3292 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 36 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 37860 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11 नए मामले सामने आए हैं, 12 लोग कोरोना से ठीक हुए और 1 मौत दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 176 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले कोरोना वायरस के आए हैं और 37 रिकवरी हुई है, कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 371 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 55 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई और सक्रिय मामले 404 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 22 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 285 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 127 नए कोरोना के मामले, 175 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1514 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 151 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 218 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 1877 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 1478 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 765 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 15788 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।